एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस मैं छत पे आई थी वीडियो को एंड करने, कमेंट्स पढ़ने, जो कि मैं पढ़ चुकी हूँ पिछले वीडियो में। ये वाला वीडियो मैं शुरुआत कर रही हूँ। आज है संडे और संडे को मेरा मन करता है कि मैं जरूर से वीडियो डालूं, कुछ भी हो जाए। चाहे रात को तो मेरा इतना ज्यादा पेट खराब हो गया ना, संडे वाले दिन जितने काम होते हैं ना सब करने पड़ते हैं। बापी को कल क्या गिरा भगोना इतना बड़ा, यहाँ गिरा इसके सीधा यहाँ पे, इतनी तेज लग गई, हम सब इतनी तेज डरे, चिल्लाइए, मुझे लगा जल जला तो नहीं गई, खाना बना रही थी सबको खिलाने के चक्कर में, आज इसने इतनी चोट मार ली हमने। फिर हम रात को 10 बजे गए, इसके लिए वो बैंडेज टुंडेज लेकर आए, और बहुत तेज लग गई यहाँ पे यार। आज कपड़े भी धुल रहे हैं, आज मेरे को ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी थी, और आपने खाना वाना निपटा दिया है सब, अभी ही 11 बज रहे हैं सुबह के, आंटी भी नहीं आई है अभी, मतलब सारे काम निपट जाएंगे तब आंटी आके सफाई कर देंगी, फिर हम नहाना धोना कर ले, चोट लग गई यार। नहाने धोने के बाद हम दोनों शॉपिंग करने गए। तू तो नहा ली? ओहो, नई फ्रॉक, किस खुशी में? शॉपिंग। शॉपिंग क्यों, मेरी शादी है? ये देखो इसको, ये मोहल्ले में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो उसको जलन हो जाती है, कहता है यहाँ मत आया करो। ये देखो वो खड़ा है, उसे देख के भौंक रहा है पूरो। ऐसे देखो डॉग्स का ये अच्छा होता है कि ये ना इस बिल्डिंग में किसी और डॉग को या किसी और इंसान को चढ़ने नहीं देता, अगर कोई नया इंसान है तो भौंकने लगता है, कोई नया कुत्ता है तो भौंकने लगता है। चला गया वो, देखो चला गया ना, तब बैठा है शांति से, इसको तब तक शांति नहीं मिलती। पाइप ले लिया है मैंने यहाँ पे, ताकि पानी भी भर जाए, सफाई होगी ना तब तो फिर इकट्ठी सफाई हो जाएगी, और मैंने वापस सारा यहाँ रख दिया, सामान भी धुल चुके हैं, फिर इकट्ठी सफाई हो जाएगी। देखो हो गई है सफाई सारी, एकदम साफ सुथरा घर, और इस कमरे से जो ये व्यू आता है ना बालकनी का, आहा हा, बहुत अच्छा आता है ये व्यू यार। देखो आप की चोट अब कितनी साफ दिख रही है, अभी नहा के आए। ध्यान नहीं देते ना मेरा, ना बच्चे, ना हस्बैंड, ना बहन। देती तो हूँ बहन, मैं रात को 10 बजे गई हूँ इसके लिए बैंडेज लेने और रुई वुई लेने। चोट लगने के बाद भागे सब, तो क्या पहले भागते? पहले किसी पीछे घूम रहे होते तो शायद भगोना पकड़ लेते। गिरना था वो गिर गया ना, मेहनत का पसीना देख रहे हो आप कितना पसीना, इतनी मेहनत करके आया ये, और मेहनत क्या करिए, पतंग उड़ाने की मेहनत। हेलो गाइस, शाम हो गई है, मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया, मैं देख रही हूँ तेरे बिन, जो मैंने कमेंट रीड किया था कि आप तेरे बिन देखा है आपने। फिलहाल आप ही के साथ मैं जा रही हूँ टेलर को ये देने साड़ी, क्योंकि आप ही की तबीयत ठीक है नहीं, और वो बना दी हुई देती तो मैंने मना कर दिया कि नहीं तो आराम कर, हम बाहर दे देंगे। हम निकल गए हैं, मेरी साड़ी लेके मैं निकल गई हूँ, और दो साड़ियाँ जो और है मेरे पास वो कल लेने आएंगी मुझसे, जिनकी है कि इतनी जल्दी कोई टेलर मिल जाए सिलने के लिए। देखो नया सूट बनाया आपने अपना, अच्छा लग रहा है ना। किमी के स्कूल में भी फंक्शन है तो उसके लिए भी ग्रीन टी शर्ट ढूंढ रहे हैं हम लोग, और मिल नहीं रही यार कहीं पे भी नहीं मिल रही। मिल गई सिमी को उसकी टी शर्ट, मिल गई हैप्पी। मेरे पास ना टाइम नहीं है, एक ब्लाउज जल्दी स्टिच करना है, हो जाएगा क्या? जब बहन आपकी खुद भी टेलर हो। आप मुझे कब तक दे दोगे? वेंसडे को दे दोगे ना? भुट्टा खाने का मन कर रहा है, मेरी बहन मुझे भुट्टा दिला रही है, ये मसालेदार भुट्टा, बस बस बस, गर्मा गर्म भुट्टा। ओहो गो, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या गाना है सिमी का, गाना ऐसा है इसका, एक स्टेप करके दिखा दे यहाँ पे, ऐसा डांस कर रही है ये उस पे। हो गया परफॉर्मेंस? ये क्या है, ये बनाया है, कैसा रहा डांस? ये देखो इसकी आप ही ने बनाई थी कल, ये स्कर्ट, ये टी शर्ट तो इसको मिली गई थी ग्रीन। ये आप ही की तीसरी कोशिश है इस बेल को ऊपर लेकर आने की, बेल तो बढ़ रही है एकदम इधर से उधर से, अदरक की तरह हर तरह से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ नहीं आ रही, बस जहाँ लाना चाह रहे हैं। तीसरा है जो आप ही ने यहाँ से डाला है, अब इसमें नोट बंदी भी थी तो ये आया नहीं पिठाओ की वजह से, कोशिश में लगी हुई है कि यहाँ तक आ जाए, बट देखो अब ये ले, ये जो लेस कह रही, ये जो बेल है ना, ये आप ही लपेट रही है इस बेल पर ही, होपफुली आ जाएगी अब। तो एट द एंड भी सिर्फ एक ही बेल जो है उस पर लिपट पाई यहाँ पे, फिर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे टाइट कर दिया है ताकि कोई इसको निकाले नहीं यार। मेरे को देखो ऐसे चंपू बन के निकली हूँ मैं आज बाहर, आप ही लेकर आई जबरदस्ती, आज मैंने हेड वॉश करना था तेल डाल के और मैंने किया ही नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है मैं एक बार पहले भी वेलकम कर चुकी हूँ, लेकिन ये स्पेशल है, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे वाला, और देखो धीमी धीमी सी बारिश हो रही है सुबह से आज, तो आज है इंडिपेंडेंस डे, और आप सबको इंडिपेंडेंस डे बहुत मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ऐसे ही कल प्लान किया था मैंने कि सारे जो कॉलोनी के जो बच्चे हैं, सोसाइटी के जितने भी बच्चे हैं, वो यहाँ आएंगे ये वाली छत पे जहाँ हम रहते हैं, और यहाँ पे बस हम लोग कुछ नहीं सेलिब्रेशन करेंगे एक इंडिपेंडेंस डे का। तो मैंने अभी छत पे आके झाड़ू लगा कर गई थी, बहुत देर हो गई इस बात को, दोपहर की बात है, अब शाम हो रही है, और धीमी धीमी सी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है बहुत ही अच्छी सी। सारे जो बच्चे हैं वो आने वाले हैं, और इतना बड़ा पोपट हुआ है ना मेरा कि जो मैंने बलून्स मंगवाए थे आप ही को, वो पचरंगी मिल गए, तिरंगा मिले ही नहीं, और
हलीमा हिबा का भी प्लान बन गया यहाँ आने का, तो वो भी आ रही है। तो मैंने उनको बोला है कि तिरंगा बलून्स ले आयो, क्योंकि सेलिब्रेशन तो बलून्स के बिना कुछ भी नहीं है ना, अधूरा है। इंडिपेंडेंस डे हम ईद मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, तो हम इंडिपेंडेंस डे को क्यों ना सब मिलकर सेलिब्रेट करें। तो बस मेरी एक वही इच्छा थी। सोफा जो है वो मैंने नीचे से मंगवा लिया है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो बैठ भी जाएं और लड़के उड़ के जो है अपने पतंग उतंग उड़ाएं। नीचे का सोफा उठा के ऊपर आ चुका है और कुछ बच्चे भी आ गए हैं। हमारे जो बलून्स है ना उनका कोई काम नहीं हो पा रहा, आ ही नहीं पा रहे। ये देखो सारे बच्चे आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बलून्स फुलाए जा रहे हैं। कुवीरा, सिमी, हिबा भी आ गई है, मिस कर रहे थे, और रिधि जो की बहुत मेहनत का काम कर रही है बलून्स फुलाने का। और ये बलून्स हमें बहुत ही मुशक्कतों के बाद मिले, जाके इतना ढूंढा। सब लोग तो आ गए हैं, वैसे ये लड़के लोग भी व्हाइट टी शर्ट पहन के आए और बहुत ज्यादा शाय है, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, पता नहीं। इतने छोटे छोटे हैं, अभी तो तुम लोग बहुत छोटे हो, तो तुम लोग बड़े हो गए, बहुत टाइम है उसमें, इतना शर्माया करो। हम सोच रहे कि सारा इंतजाम हो जाए, एक आध अच्छी सी पिक्चर्स आ जाए सबके, मैं फोटो खींची, ग्रुप फोटो हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा फील आने लगा इंडिपेंडेंस डे वाला, क्योंकि ये बलून्स नहीं मिल रहे थे, ऑनलाइन भी देख रहे थे तो आउट ऑफ स्टॉक थे, लेकिन अब मिल गए हैं। फ्रेम में नहीं हो, फ्रेम में आओ, जितने लोग ले आ रहे डेकोरेशन करो। 1 2 3 यहाँ पे मैंने बहुत जद्दोजहद करके किसी तरह ये 3 कलर के बलून्स मंगवा लिए और तैसे तैसे ये लगाए हैं यहाँ पे, मैं ही जानती हूँ। मैं आई थी, पता नहीं कितनी जगह घूमी थी, मुझे पता नहीं क्रेडिट बिन दे दी। तो ये है, अरे उन्हें तो बुला लो, उन लोगों को तो उसी का इंतजार था, सारे लड़के इसी ये इंतजार कर रहे थे, उनको किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता। सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेकर आए थे, अभी बहुत कुछ था जो खत्म हो चुका है। भूमि का चूरमा लाई है, और ये कौन लाया था, निपेंद्र, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। जावे, मैंने रात को ही बर्फ जमाने रख दी थी, तो यहाँ पे पानी एकदम ठंडा हो चुका है, और यहाँ में वाटर कलर रखा हुआ है, सब पानी पी रहे हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक्स भी आ रही है, मंगवाई थी, चलो बाहर जाके रखो, पानी एकदम ठंडा है। म्यूजिक मैं चलाऊंगी। हाँ ऑब्वियसली तू ही लेकर आई है, लाइस इसको चाहिए मुझे भी। अब सब लोग तैयारी कर रहे हैं म्यूजिकल चेयर की, और हमें जुगाड़ करके, मेरे को डकार आ रही है कोल्ड ड्रिंक, जुगाड़ करके जितनी भी चेयर मिल पाई वो सब यहाँ पे है, देखते हैं किस कौन बैठेगा अभी। हिबा आउट है तुम्हारे, सब बहुत याद कर रहे थे हिबा को, इल्मा को, दूसरा राउंड बाद में करेंगे इमोशनल बातें। सिमी आउट है, सिमी आउट, बड़ा मजेदार गेम है, देख के मजा आ गया। अभी सिर्फ तो हमारे 4 खिलाड़ी बाकी है, 3 चेयर बाकी है, देखते हैं कौन विजेता बनता है, मतलब इन लोगों में से कौन विजय होता है। कुवीरा, कोई बात नहीं, छोटी कुवीरा, 2 चेयर बाकी है बस, इस बार कौन आउट होता है और इस खेल का विजेता कौन होता है, वेरी एक्साइटेड। अभी बताते हैं क्या मिलेगा, एक चेयर, 2 खिलाड़ी सिर्फ, आप ही और इल्मा बची है, आप ही और इल्मा बची है, बाकी सब लोग हार चुके हैं। चलो नाम रोशन कर दिया विजेता, आप ही को लगा कि वो जीत गई पर आप ही नहीं जीती है, ब्लूटूथ रुक गया था दोबारा। जो गर्ल्स थी उनका सबका गेम हो गया, अभी हमारी लड़के भी तो बच्चे इनके साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए ना, इन लोगों का अलग से गेम हो रहा है। हेलो लड़के लोग, अरे गाने की आवाज ही नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है, गाना तो चलाओ यार। ये हट गया है, देखते हैं आप कौन निकलता है वापस। यश, यश बाहर हो गया, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। 3 चेयर हैं, 4 लड़के हैं हमारे, देखते हैं कौन निकलता है अब की बार। इस बार प्रिंस, प्रिंस आउट है। लड़कों में कौन जीतता है अब, निपेंद्र निकल गया हमारा, देखते हैं अब इन दोनों में से कौन जीतता है। जीत गया लड़का, जीत गया लड़कों का विजेता, मैं तो जीती पे हूँ, लड़कियों में ले यार ये अलग ही है, इसको हारना है, बाकी सबको जीतना था। एक ही बार मैंने चांस लिया था अपने साथ, और मैं चांस उसी चांस में हार गई। माइक दो इसको, माइक, खुश है आप ही जीत, आज आप ही बहुत खुश है आप ही को जीत के। अरे थैंक यू तो बोलो, किस किस को, किस किस को थैंक यू बोलना। मेरे पेरेंट्स ऑर्डर आ गया है कि पौधे है ना वो इनके हाथ भिजवाने नहीं देंगे ना।
हाँ नहीं मैं लेकर आई थी मेट्रो में लेकर आई थी। फिर उन भैया ने तुझे क्यों दिए थे? तो उनके हाथों में थे ना, मैं बैग में रख के लेकर आई थी, तो अम्मी का फोन आया है कि वो पौधे भिजवा दियो, अम्मी की तब से नजर है उस पर। तो मैं इनके हाथ जब निकलेंगी तब इनको दे दूंगी। माइक भी इसमें। तो हमारा जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है वो तो चल ही रहा है यहाँ पे, तो सब कुछ चल रहा है। और मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो कल ही लाइव करना है, सुबह आपको देना भी है। बहुत ही मजा आया, बहुत ही देखो पूरे पसीना पसीना हो गए हैं। तो एक कमेंट पढ़ रही हूँ मैं, अस्सलाम वालेकुम अशी, वालेकुम अस्सलाम, अभी हमारे घर में पूरे 5 साल बाद खुशी आई है, हमारे घर में नन्ही परी पैदा हुई है, उसका नाम अर्शी रखना चाहते हैं, प्लीज अपने नाम का मतलब बताना, ब्लॉग में मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम नूर अफशान है। और इन्होंने कुछ और भी लिखा था जिसका रीड मोर मैं उस पर क्लिक नहीं कर पाई, तो आगे मैंने मैसेज नहीं देखा। मुझे ये कमेंट पढ़ के इतनी ज्यादा खुशी हुई कि आपके घर में एक बेटी पैदा हुई इतने साल के बाद और आप उसका नाम अर्शी रखना चाहते हो, तो मैं अपने नाम का मतलब बता देती हूँ। और मैं बड़ी सही जगह खड़ी हूँ इसका मतलब बताने के लिए भी। अर्शी का मतलब होता है अर्शी आसमान, मतलब ऊंचाइयाँ बुलंदियाँ। अर्शी से मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना अर्श से फर्श तक, तो वो अर्श से ऊंचाइयों से मतलब है मेरा। तो आप रख सकते हो, ये पहले भी किसी ने मुझे कमेंट किया था, पूछा था अर्शी नाम रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेशक रखिए, ये मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। इतने दिन से इल्माइबा को आप लोग मिस कर रहे थे, तो देख लो क्या रखा इनकी शक्लों में, यार कुछ नहीं रखा। तो हम सबकी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ये वीडियो जो शॉर्ट है शायद मैंने पहले ही डाल दिया होगा, हवा खिला रही है मुझे। चलो इस वीडियो का मैं म्यूजिकल चेयर में जीती थी। चलो गाइस बाय बाय। और एक मिनट जाने से पहले एक आखिरी क्लिप है, ये कल सेलिब्रेशन के दरमियान बिल्कुल भी नहीं पता चला कब मेरे 800K हो गए। थैंक यू सो मच गाइस, बस इसलिए आज ये एक आखिरी क्लिप बना रही हूँ। पूरा ब्लॉग जो है मैंने सुबह 7 बजे से उठ के एडिट किया आप लोगों के लिए, और 800K की खुशी 800K की एक्साइटमेंट में मैंने जल्दी जल्दी जो ब्लॉग है वो मैंने एडिट कर दिया, सब कुछ हो गया। थैंक यू क्लिप है क्योंकि आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, आप लोगों ने मुझे जितनी इज्जत दी है, उसके लिए दिल से थैंक यू, उसके लिए दिल से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शुक्रिया, बहुत बहुत खुशी हो रही है। हम बहुत करीब है अपनी मंजिल के। आपको सबको जश्न आजादी बहुत मुबारक हो। क्लास में एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत सारे ना वो जो 15 अगस्त के बाद आज के दिन सुबह सुबह ना बहुत सारे परिंदों को ना बहुत परेशानी होती है, तो आप प्लीज अगर किसी भी एक परिंदे को ऐसी परेशानी में देखते हैं जो आपने मांझा मांझा पतंग वतंग उड़ाकर वो सारा ऐसे ही फेंक दिया है, तो प्लीज उसको हटा भी दीजिए आज उठकर, सबसे पहले उसकी सफाई कीजिएगा क्योंकि वो ना बहुत नुकसान देता है। परिंदों के पंख कट जाते हैं, उनके पैर कट जाते हैं मांझों से, प्लीज उसकी सफाई बहुत जरूरी है आप लोग करना। इस तरह आप अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों का ख्याल रखते हो ना, इसी तरह आप लोग उन छोटे छोटे मासूम परिंदों का भी ख्याल करके मांजा मांजा सब हटा देना। तो 800K के लिए लव यू दिल से गाइस।